आज मैं तुझे सिखाता कुश्ती के दांव पे। आ जा रहा बाबा, मैं तुझे कुश्ती के दांव पे सिखाता। अरे छोड़ रहा बाबा, ले ये ले। अरे ये तो मार जा, ये तो ऐसे करके घूम जाने कर, पांव पकड़ के खींचती है लगा। ये तो मार जा। अरे बाबा गुंडी। अरे बोल रहा बाबा, क्या बात है बोल। अरे हो गया है ना बाबू भाई, मेरी कपड़े धोने की मशीन है ना खराब हो गई थी, इसलिए आपके पास आई मैं। ये तो महिला, अरे तू गलत एड्रेस पे आई रे बाबा। अरे कपड़े धोने की मशीन मेरा भाई आमुराव बनाता। अरे ये बाबूराव तो कुश्ती लड़ता रे बाबा और सिखाता भी। अरे तो बाबू भैया मुझे भी तो कुश्ती सीखने की है ना। हाँ मुझे तू झाड़ू बर्तन छोड़ के ये कुश्ती सिखाएंगे रे बाबा। हाँ इसमें बुरा ही क्या है। ओके रे बाबा, लेकिन ये कुश्ती सीख के तू करेंगी क्या रे बाबा। अरे बाबू भैया मैं कुश्ती सीख कर ना गांव का नाम रोशन करूंगी। वो कैसे रे बाबा। अरे बाबू भैया मैं वर्ल्ड लेवल पे कुश्ती खेलूंगी ना, तो होगा ना गांव का नाम रोशन। अरे क्या सोच रहे बाबू भैया, तुम्हारे अखाड़े का नाम भी तो रोशन हो गया। जब अखबार वाले मुझे पूछेंगे ना तुम्हारा उस्ताद कौन है, तो मैं तुम्हारा ही नाम बोलूंगी। बोलूंगी मेरे उस्ताद का नाम है बाबूराव खंडेराव। क्या सच में तुम ऐसे बोलेंगे रे बाबा। हाँ फिर देखना तुम्हारे अखाड़े में कैसी लाइन लगेगी कुश्ती सीखने वालों की। पर तू नाजुक लड़की रे बाबा, तू कुश्ती खेलेंगी क्या रे। ये गुंडी, तूने मस्त बाबूराव को पटकी मारी ना बाबा। मेरे को लगता ना तू ये गांव का नाम जरूर रोशन करेगी। ठीक है बाबू भैया, कल से आ जाओ मैं सीखने। अरे हाँ रे बाबा, ये बाबूराव ते को कुश्ती सिखाएंगा ना रे बाबा। ठीक है बाबू भैया, मैं चलती हूँ। ए बाबा तू कल से नहीं आना रे बाबा, तेरी छुट्टी। आज से ये बाबूराव सिर्फ गुंडी को सिखाएगा, समझे ना। ए गुंडी देख रहे बाबा, एक काम करना ना, जब सामने वाला तेरे को पकड़े ना, सबसे पहले ऐसा पकड़ने का, ये ला तेरा हाथ, ये देख, ऐसा जब पकड़े, ऐसा पकड़ने का, जब वो हाथ ऐसा करे ना, डरने का नहीं ला बाबा, ये टांग है ना तुम्हारी, ऐसा टांग लगाने का, जब डॉक्टरी से गिराने का। और एक बात बोलो तेरे को, जब ज्यादा बोले ना वो ऐसा पकड़ना और ऐसा पटकी मारने का रे बाबा, इसको क्या बोलते मालूम तेरे को। अच्छा तो गुंडी यहाँ पे कुश्ती सीख रही, और मैंने तो इसके बारे में क्या क्या सोचा था, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, और देखो ये पहलवान बन रही। लेकिन हम दोनों की जोड़ी खूब जमेंगी, मैं पहलवान वो पहलवानी। चल पहलवान, ये बाबूराव से बात करना ही पड़ेगी। अरे इसको दो भी बचा बात करे बाबा। पहलवान को दो भी बचा, किसने मारा रे बाबा। क्या बाबू भैया, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुम क्या चाहते, ये पहलवान जिंदगी भर कुआरा रहे और इसकी शादी ना हो। ए बाबा पहलवान, मैं रिश्ते न तोड़ता न जोड़ता रे बाबा, तू गलत एड्रेस पे आया रे बाबा। अरे रिश्ते तो मेरा भाई काबूरा लगा था, जा उसके पास जा रे बाबा। अरे बाबू भैया, जब मेरी होने वाली दुल्हन आए तुम्हारे भाई के पास क्यों जाऊँ रिश्ते के वास्ते। ए पहलवान क्या बोला, जरा मुंह संभाल के बोल। मैंने तेको पहले भी बोला था मेरे चक्कर में मत पड़। और हाँ गुंडी शादी करेगी ना असली पहलवान से, शादी करेगी तेरे जैसे नकली पहलवान से नहीं। क्या बोली, नकली पहलवान? अरे पूरे गांव में पूछेगी ना, तो ये पहलवान को पूरा गांव पहलवान के नाम से पहचानता। हाँ हाँ मालूम है मालूम है, तू सिर्फ नाम का पहलवान है, तूने आज तक एक भी कुश्ती लड़ी क्या? और बोले पहलवान है। और हाँ एक महीने का टाइम है तेरे पास, तूने जो मुझे कुश्ती में हरा दिया ना, ये गुंडी तेरे साथ जगह पे शादी करेगी, समझा क्या? तो ठीक है, मंजूर है मुझे तेरा चैलेंज। हाँ बाबू भैया, कब से हूँ मैं दाव पेच सीखने? अरे नहीं रे बाबा, मैं तेरे को नहीं सिखा सकता, मैं तो सिर्फ गुंडे को सिखाऊंगा रे बाबा। ऐसा तो पहलवान को सीधे सीधे चोट। तो कोई बात नहीं, ये पहलवान है ना दूसरी तरफ जाके दाव पेच सीख लेगा, चलो जाता मैं। ये बोल के देखते हैं के। ये पहलवान कह रहे क्या?
ये पहलवान कुश्ती लड़ रहा और दाव पेच सीख रहा। अरे ऐसी दाव पेच सीखती क्या, ऐसे लग रहा मुर्गी और बिल्ली पकड़ रहा तू। तेको आते क्या कुश्ती लड़ते? बोले मुर्गा बकरिया पकड़ रहे। ए पहलवान तेको मालूम है क्या, मेरा पूरा घंटे नहीं ना कुश्ती के दाव पेच सिखाता। क्या बात कर रहा, सही बोल रहा क्या पीके तू? अरे तेको मालूम है क्या, वो जगड़ू पहलवान को किसने सिखाया? तुमने सिखाया क्या? अरे नहीं रे, मेरे बाबा ने सिखाए थे। और देखो एक बात मालूम है क्या, और ये जो बाबू भैया है ना जो अक्काला चलाते, उनको किसने सिखाया? देखो क्या मालूम रे, किने सिखाया उनको? अरे उनको मेरे चीचा ने सिखाया ले। और देखो मालूम है क्या, वो तारा सिंह को किसने सिखाया? नहीं मेरे को नहीं मालूम, तू ही बता दे। उसको मेरे दादा ने सिखाए थे। अरे वो सब ठीक है, तूने किसको सिखाया वो बोल। अरे तू मैं सिखाऊंगा ना अभी। किसको सिखाएगा? अरे तेको सिखाऊंगा। ओह नो। ऐसा मेरे को सिखाएगा? चल फिर सिखा ना। अरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहलवान बनाऊंगा मैं तेको, गारंटी अपनी। आ जा और अब बच मेरे दांव बेचते। अरे मेरे बाप रे, उठ बाप पी के। तू रेडी है ना? मैं रेडी है। ए बाप उठ पी के, मेरे को सिखाना। थका रहा के सिखा रहा? ए पी के, अबे तू तो खुद खड़े नहीं रह पा रहा, मेरे को क्या सिखाए? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, पहलवान मेरा ना ढोका काम नहीं कर रहा। पहलवान 150 है तेरे पास। 150 का क्या करेंगे रे? क्या करूँगा? अरे एक कटर ले लो 120 की, 30 का चकना। एक बार मारूंगा उससे, तुमको कैसे सिखाता मैं। अरे मेरे बाप। देख गुंडी, मैंने तेरे को सारे पहलवानी के दांव पे सिखा दिया। वो जो पहलवान आएगा ना उसको उठा उठा के पटकना रे बाबा। हाँ बाबू यार टेंशन मत लो, पहलवान को ऐसे उठा उठा के पटकूंगी मैं। इतना आसान नहीं है पहलवान को उठा उठा के पटकना। उड़े क्यों आसान नहीं है पहलवान को पटकना? मैंने सिखाया उसको पूरे दांव पे। ये हलकत, तूने कब सिखा रे दांव पे जो उसको पहलवान को सिखा दिया? अरे वो सब छोड़ो, जीतेगा तो मेरा ही शेर, और तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। बे बेवड़े, वो दिन कभी नहीं आएगा। और कहा है तेरा पहलवान, एक हफ्ते से मुंह भी नहीं दिखाया उसने। अरे अब मेरे शेर का आने का टाइम हो गया और वो आते ही होगा। वो देख तेरा शेर, अरे सारा तेरा हो गया। अरे पूरा बिल्ली के मस्त जोक मारता है। हे पहलवान, क्या हो गया तुझको, ऐसे आरा तेरा क्यों चल रहा है? ये पीके, तूने बोला था ना 100 ढंड बैठक मारो, मैंने एक ही घंटे में मार दिया। उससे ऐसी हालत होगी मेरी। अरे एक हफ्ते में मारने का था, तूने एक घंटे में मार दिया क्या? अरे पीके लेके जाए इसको हॉस्पिटल में, वैसे भी मुकाबले में 2 दिन बाकी है। ए ज्यादा खुश मत हो, ऐसे भी मुकाबला मैं जीतूंगा और तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पहले इलाज कर ले, वो तो तुझे आंकड़े में मालूम पड़ेगा। चल निकल। मजाक नहीं किया था अभी पहलवान। Hey!
गुंडी बस हार गया बा मैं। लेकिन एक बात बोल रहा गुंडी, तू है ना जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। ऐसे क्यों बोल रहा? तुझे तेरी शरत है ना जो कि मेरे को जो हराएगा मैं उससे शादी करूंगी, और तुझे कोई हराएगा नहीं तेरी शादी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो गुंडी का दंगल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल गुंडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए।